हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि जन्माष्टमी मैंने कैसे मनाया। और फ्रेंड्स, आप लोग जन्माष्टमी कैसे मनाए ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो को आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये वीडियो बहुत ही इंजॉयफुल होने वाली है। तो पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, घर में तो लड्डू गोपाल पहले से ही रखे हुए थे, ये छोटे वाले। जब मैं वृंदावन गई तो वहाँ से इनसे थोड़ा सा बड़ा लड्डू गोपाल लेकर आई थी। तो नए घर में मैंने पहली बार बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई। लड्डू गोपाल का जन्म आप लोग किस तरीके से कराते हैं ज़रूर शेयर करिएगा। अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो उसको भी बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे एक थाली ले लिया है छोटा सा, और उसमें चंदन से स्वास्तिक बना करके कुछ फूल रखा है, और उसमें रखूँगी लड्डू गोपाल को, और एक खीरा ज़रूर रखना है उसमें। तो एक खीरा रखूँगी, जो भी फल आपके पास है उसमें रखिए, और चारों तरफ से फल और फूल से पूरे तरह से लड्डू गोपाल को ढक देना है। और इस तरह से चारों तरफ से जितना भी फल है आपके पास, सब फल को एक एक करके रख दीजिए, और ऊपर से फूल, फल और फूल से पूरी तरह से लड्डू गोपाल को ढक देंगे। और इसको जो आप मंडप बनाए हैं उसमें इस थाली को रख देना है। तो इसी तरह से मैं देखिए चारों तरफ से फूल और फल से लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से ढक दी हूँ और मंडप में रख दूँगी। तो 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, तब उसके बाद मैं सारे फल को हटाऊँगी और इसमें से लड्डू गोपाल को निकाल करके उनका स्नान श्रृंगार सब करूँगी। तो पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स कि मैंने कैसे उनका स्नान और श्रृंगार किया। उसके बाद खूब सारा चॉकलेट, बिस्कुट, खिलौने, नमकीन, टाफियाँ, जो भी बच्चों के लिए हो, खेलने वाला सामान, खाने वाला, आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि खूब सारे बच्चों को मैंने बुलाया था, तो जन्म होने के बाद मैंने प्रसाद बांटा। उसके बाद जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको मैंने खिलौना दिया। तो जो भी आपके पास हो, जितना सामर्थ्य हो आपकी, जो हो सके वैसा आप तैयारी करिए। सब करने के बाद हम लोग बैठ करके भजन कीर्तन किए, और राधा रानी का और कृष्ण जी का भजन गाया हम लोगों ने। कुछ औरतें, लड़कियां सब लोग आई थी, तो कृष्ण जी का भजन कीर्तन किया, जिसको जो गाना डांस आता था सब लोग किए, खूब इंजॉय किए। 12 बजे तक सारे बच्चे, मैं, मम्मी जी सब लोग जगे हुए थे, कीर्तन करते रहे। उसके बाद एक और प्लेट या थाली लेंगे, और उसमें जो और फल है उसको अच्छी तरह से धो करके और भोग के लिए रख देंगे। और भोग में बनाया है मैंने धनिये की पंजीरी। धनिये की पंजीरी तो बहुत खास भोग होता है लड्डू गोपाल को, तो इसे ज़रूर बनाते हैं। धनिये की पंजीरी बनाई थी, साबूदाने की खीर बनाई थी। ज़्यादा कुछ तो भोग के लिए नहीं बना पाई थी, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी कि घर में हम लोग इतना अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल का पूजा करेंगे। तो जब मैं 7 बजे पार्लर से आई तो मन हुआ कि क्यों ना इस बार लड्डू गोपाल की नए घर में अच्छे से पूजा की जाए। उसके बाद एक आरती की थाली बनाएंगे और उसमें एक अखंड ज्योति जलाएंगे, बड़े से अखंड ज्योति को जलाएंगे, क्योंकि ज्योति 12 बजे तक जलनी चाहिए। 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक, उससे ज़्यादा हो जाए उससे पहले ये बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। तो मैंने एकदम तेल भर करके अखंड ज्योति जला दी, धूप बत्ती सब जलाया, उनका भोग लगाया, और सब पूजा करने के बाद फिर हम लोग बैठ करके उनका भजन कीर्तन किए। इस
बार बहुत मज़ा आया क्योंकि नए घर में इतने सारे शुभ काम हो रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा था और सारे बच्चे तो खूब इंजॉय किए। तो देखिए पूजा कंप्लीट हो गई है, अब बच्चे डांस कर रहे हैं। बारह बजे रात तक जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक बच्चे खूब उछल कूद मचाते रहे, डांस करते रहे, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे थे। इतना डांस किए, सब लोग खूब इंजॉय किए, खूब मस्ती किए, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खुशी की बात ये थी कि नए घर में हम लोग पहली बार इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल का जन्म कराया और पूजा अर्चना की और बच्चे भी खूब धमाल किए, डांस मस्ती खूब किए। बच्चे भी बोल रहे थे कि इस बार हम लोग अच्छे तरीके से नए घर में लड्डू गोपाल का पूजा करेंगे मम्मी। 7 बजे जब मैं पार्लर से आई तो बहुत लेट हो चुका था क्योंकि इतनी जल्दी तैयारी पॉसिबल नहीं थी, लेकिन सारे बच्चे आए थे और बाबू बोला कि मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत जल्दी से तैयारी कर लेंगे, आप प्रसाद भोग की तैयारी करिए, हम लोग मंडप बनाते हैं। तो सारे बच्चे मिल करके जल्दी जल्दी से मंडप बनाए, गुब्बारा फुलाए और फटाक से सब काम हो गया। मैं भोग बनाई उनके लिए और देखिए अब डांस करते करते 12 बज गया है, तो अब हम लड्डू गोपाल को फल से निकालेंगे। बच्चे खूब इंजॉय किए और बच्चों को जाने की जल्दी भी थी क्योंकि 12 बज गया था और डांस करते करते सारे बच्चे थक चुके थे। तो मैं इधर लड़कियों को दे दी प्रसाद काटने के लिए और इधर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कराने के लिए बैठ गई थी क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे थे उन लोगों को नींद भी आ रही थी और घर जाने के लिए भी बोल रहे थे, तो सोचा कि जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग जन्म कैसे कराते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो पहली बार की थी और इस तरीके से किया, अगर कुछ कमी होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और तो देखिए जो खीरा मैंने रखा था उसको 1 रुपये के सिक्के से मैंने काटा, चाकू से नहीं काटना चाहिए क्योंकि चाकू बोलते हैं कि चाकू से चीरा नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से खीरे को काट करके साइड में रख दिया है, फिर उसको लड्डू गोपाल को निकालूंगी एक नई थाली में, चंदन से स्वास्तिक बनाया है, उनको लाड प्यार करने के बाद मैं उनका स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले चंदन से स्नान कराऊंगी, फिर दही से, दूध से और फिर चीनी से, घी से, उसमें कुछ पुष्प रख दीजिए। और उसके बाद स्नान कराने के बाद सबसे लास्ट में गंगा जल से स्नान कराऊंगी, तो पंचामृत बन जाएगा और सारे लोगों में पंचामृत का प्रसाद बांट देना चाहिए। तो देखिए तो स्नान कराने के बाद इनको नया कपड़ा पहनाई, इनका श्रृंगार किया। देखिए इस तरीके से मैंने स्नान कराया, आप लोग कैसे कराते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इनके लिए दो नया कपड़ा लेकर आई थी, एक सुबह में पहना दी थी और एक शाम रात के लिए रख दी थी। और जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं उनका भी स्नान कराया, श्रृंगार किया, उनके लिए भी 2 कपड़ा लाई थी, तो उनको भी स्नान करके एक सुबह में पहना दी थी और एक रात के लिए रख दिया था। और एक तौलिए से इनको पोछ करके नया कपड़ा पहना करके इनके लिए गहना मैं तो सुबह में ही पहना दी थी, कान नाक हाथ गले का सब लेकर आई थी, मुकुट, तो सब चीज़ पहना करके इनको आसन पर बैठा दिया है। अब इनका श्रृंगार करूंगी चंदन लगा करके, वृंदावन से घी वाला चंदन लाई थी मैं, बहुत ही अच्छा है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छा होती है। गौरी गोपाल आश्रम में जो शॉप थी वहां से मैं खरीदी थी चंदन, बहुत अच्छा मिलता है वहां पे, आप लोग भी कभी वहां जाइएगा वृंदावन तो वहीं से चंदन खरीद कर लाइएगा, बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। अब दोनों लोग का श्रृंगार कर लिया है, अब जो खीर बनाई थी उनका भोग लगाऊंगी, दोनों लोग को खिलाऊंगी और
मिश्री में वो मक्खन लगा करके रखी थी उसका भी भोग लगाऊंगी। और इधर प्रसाद भी कट हो गया है, बच्चों को प्रसाद और जो खिलौने टापियाँ सब थी सब बच्चों को देना था। और पूजा आरती करने के बाद मैंने प्रसाद बांटा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।